एक्चुअली साइंस कहता है कि जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं कि जो जिंदगी जी जो जिंदगी को शुरू करने का आगाज करने के लिए जरूरत है, वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ये मीटियोराइट्स के जरिए दुनिया में दाखिल हो गए। तो वो पूछते हैं कि क्या इस्लाम उसके बारे में क्या नजरिया रखते, क्या ये सही है कि इस तरह जिंदगी शुरू हो गई? इस्लाम तो कुछ नहीं कहता इस बारे में, मगर ये जरूर कहता है कि आसमान के असरात जमीन पर जरूर पड़ते हैं और मीटियोराइट्स कसरत से यहाँ दाखिल होते रहते हैं। इतनी बात इस्लाम करता है। बाकी अमीनो एसिड के मुतलिक ये दो नज़रियात हैं। बास का ख्याल है कि मीटियोराइट्स उतरे हैं समंदर में, उनके ज़रिए अमीनो एसिड पैदा हुए, और बास का ख्याल है कि गलत है, इसी समंदर में अमीनो एसिड खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, यानी अल्लाह ताला की कुदरत से। एक लेबोरेटरी में मेंढक को बेहोश करने वाली दवाई खत्म हो जाती है। एक लेबोरेटरी में मेंढक को बेहोश करने वाली दवाई खत्म हो जाती है। तो उस्ताद बच्चे ने कहा मेरी जुराबें सुना। हाँ जी, तो वो कहते हैं हमने उसे बेहोश करना है, मारना है उसको, उसको बेहोश नहीं कर, हमने उसको बेहोश करना, मारना नहीं है। उसकी जुराबों में से इतनी बदबू आती थी कि ऐसा मेंढक मर जाएगा। ये जर्मन में इस्तेमाल करते हैं ताजमहल। ठीक है, कोशिश पूरी कर लूंगी।